स्टूडेंट्स दिस इज महाशबी लेक्चर बोर्ड आज का हमारा बालाजी सेकेंड ईयर का जो लेक्चर है दैट विल स्टार्ट फ्राम दाइन ऐप्स जब हम नर्व इम्पल्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो है नर्व इम्पल्स है वो न्यूरस एक से दूसरे न्यूर पे जब ट्रैवल करती है तो दरमिया में एक छोटा सा गैप आता है और मैंने आपको बताया था कि उस गैप को साइन ऐप्स कहते हैं तो अब हम देखेंगे कि साइन ऐप का स्ट्रक्चर कैसा होता है और नर्व इम्पल्स जो है वो वहाँ से कैसे ट्रैवल करके जाती है तो साइन के बारे में जो आपको बताते हैं या उसकी डेफिनेशन जो है वो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाती है कन्जर्कटिव न्यूरॉन्स आर सो अरेंज दैट द एक्सोन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन आर कनेक्टेड टू द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन यानी इस तरह से अरेंज हुई है कि एक एग्जॉन जब ख़त्म हो रही है तो उस एक न्यूरॉन जब ख़त्म हो रही है तो उसका एग्जॉन तो तो जो है वो अगली न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है हाँ लेकिन कनेक्शन क्या है कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है इन दो न्यूरॉन्स के दरमियान बल्कि

तो वो कहते हैं कि नर्व इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे साइन के थ्रू ट्रैवल करती है लेकिन एक सिंगल जो इम्पल्स है ज़रूरी नहीं है कि वो साइन को क्रॉस कर सके इसका मतलब ये है कि कंजक्टिव नर्व इम्पल्स आती हैं फिर साइन तक पहुँचती हैं और उसको क्रॉस करती हैं इट मे टेक टू और थ्री इम्पल्स अराइविंग इन रैपिड सक्सेशन और परव साइमल्टेनियसली फ्राम टू और मोर फाइबर टू स्टार्ट एन इम्पल्स द नेक्स्ट न्यूर यानी बहुत सारी जो है वो नर्व इम्पल्सेज आने चाहिए एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट जंप फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट इन लाइन हमने पढ़ा था ना कि नव इम्पल्स जो एक्शन पोटेंशियल की शक्ल में मूव करती हैं लेकिन साइनैप्स को जो है वो एक्शन पोटेंशियल की शक्ल में क्रॉस नहीं किया जा सकता इसको क्रॉस करने के लिए कोई ना कोई केमिकल मैसेंजर चाहिए दैट केमिकल मैसेंजर इज़ नॉन एज न्यूरो तो होता क्या है यानी इसका जो है वो फंक्शन क्या है वेन एन इम्पल्स रीच अ साइन नोव अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वो आपको बताया हुआ है ये एग्जोन है ये एग्जोन की एंडिंग है ये वाला जो एरिया है दैट इज नॉन एज साइनेप्टो तो जब नव इम्पल साइनेप्टिक नोव में पहुँचती है तो यहाँ पर साइनेप्टिक वेजिकल्स बन जाती हैं सैनेप्टिक वेजिकल्स विद इन फ्यूज़ विद अ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन अब यहाँ पर अब देखें आप कि अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक एगजन है और यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो न्यूरॉन है तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ नॉन एज प्री सप्टिक मैम्ब्रेन और ये वाली जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ नॉन एज पोस्ट साइनएप्टिक मैमब्रेन अब यहाँ वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है ना ये वेजिकल्स मौजूद हैं इन वेजिकल्स के अंदर इस तरह से करके जो डॉट्स हैं वो बेसिकली न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं तो होता क्या है कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स वाली जो वेजिकल्स हैं वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाती हैं एंड द रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिकूल टू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट और उसके बाद ये जो दरमियान में गैप आ रहा होता है ये वाला जो गैप आपको नज़र आ रहा है इसको कहते होते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो है वो न्यूरो uh, ट्रांसमीटर्स को छोड़ दिया जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स बाइन टू द रिप्टर ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मैमब्रेन अब पोस्ट साइनेप्टिक मैमब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है वो वहाँ जाकर जब टच करते हैं यहाँ पर देख सकें आप ये देखें न्यूरो ट्रांसमीटर्स ने इधर आके टच किया जिससे एक्शन पोटेंशल यहाँ पर क्रिएट हो जाता है बाय काजिंग चेंज इन इट्स परमेबिलिटी सर्टन आइन फिर यहाँ पर वो आइंस के लिए परमिलिटी चेंज हो जाती है और हमें पता है कि आइन्स मूव करना शुरू कर देते हैं एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर केमिकल विच आर रिल्ड एट द एगोन एंडिंग ऑफ न्यूरोप मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर नॉन कौन कौन से हैं इसीटाइल कोलिन एडोनिन नॉर एपीफ्रीन सीरोड डोपाम इसीटाइल कोलिन जो है इट इज़ द मेन ट्रांसमीटर फॉर साइन एप्स दैट लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अदर्स आर मोस्टली इन्वाल्व इन साइन एप्टिक ट्रांसमिशन विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यानी वो फिर डिफरेंट जो है वो आपको मिल रहे होते हैं लेकिन जो इसीटाइल कोलिन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर काम कर रहा होता है और बाकी जितने भी हमने ऊपर पढ़े हैं एड्रलिन है नॉर एड, एपीनाफ्रीनारोन है डोपामीन है ये सारे के सारे हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर काम कर रहे हैं इसके अंदर काम कर रहे थे नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम तो यहाँ पर आपके पास एक चार्ट दिया हुआ है इसको हम देखते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है सबसे पहली चीज़ आपके पास आ जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर सेंट्रल सेकेंड में आपके पास आ जाता है पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आ जाती हैं ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है पैलीफ्रोल नर्वस सिस्टम न्यूर से मिलकर बना हुआ है न्यूरॉन्स हमारे पास दो तरह की आ गई सेंसिंग न्यूरॉन्स जो मैसेज को सी तक लेकर जाएंगे और मोटर न्यूरॉन जो मैसेज को सी से लेकर आएंगे अब मोटर न्यूरॉन्स के हिसाब से हम दो तरह के नर्वस सिस्टम या दो तरह के रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स हैं उनमें आपके पास सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है और पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है अब इन तमाम को इस कंप्लीट नर्वस सिस्टम को हम डिटेल में देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी यहाँ से हम स्टार्ट करने लगे हैं पहले हम इन दोनों को देखेंगे फिर उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंप्लीट चार्ट को जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो जिस चीज़ को हम देखने जा रहे हैं दैट इज है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो दोनों के दोनों आ जाते हैं यहीं पर स्टार्ट में ही वो आपको ये बात कह रहे हैं द स सी एन एस कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विच आर बोथ प्रोटेक्टेड इन थ्री वेज चाहे आपके पास ब्रेन है चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड है तीन तरह से जो है वो प्रोटेक्शन हो रही है सबसे पहले हम ब्रेन की प्रोटेक्शन देखें तो ब्रेन की प्रोटेक्शन सबसे पहले हो रही है क्रेनियम के थ्रू क्रैनियम के थ्रू क्रेनियम जो है वो हमारे स्कल का पार्ट है इट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड न्यूरल आर्चिस ऑफ वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइल कॉड यानी ब्रेन की जो प्रोटेक्शन है वो क्रेनियम के जरिए हो रही है और जो स्पाइल कार्ड उसकी प्रोटेक्शन जो है वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी के थ्रू हो रही है इसके अलावा वो कहते हैं द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉड आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाई ट्रिपल लेयर्स ऑफ मैनेंजेस दूसरी चीज़ आ गई मैनेंजेस तीसरी चीज़ आ गई सेरीब्रोस्मेल फूड हमने कहा ना कि तीन चीज़ों से प्रोटेक्शन हो रही है तो क्रेनियम स्कल की प्रोटेक्शन कर रही है और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्मेल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कर रही है एक प्रोटेक्शन हो गई दूसरी प्रोटेक्शन जो है मनेंजिस के थ्रू की जा रही है और तीसरी प्रोटेक्शन जो है सेरीब्रोस्मेल फ्लूड के थ्रू की जा रही है इट इज़ सिमिलर इन कंपोजिशन टू ब्लड प्लाज्मा और सेरिब्रोस्मेल फ्लूड की अगर हम कंपोजिशन देखें तो ब्लड प्लाज्मा जैसी है फंक्शन क्या है इसका इट द न्यूरो ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इट क्वेश्चन अगेंस्ट द बम्प एंड जॉर्ड एक तो ये नरिशमेंट करता है बात करता है और दूसरी बात ये कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड को झटके ना लगें तो उन झटकों के लिए शॉक एब्जॉर्बर का, का काम करता है अगर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो वो दोनों अंदर से हॉलो हैं द स्पाइल कार्ड हैज सेंट्रल के नाल एंड ब्रेन हैज मैनी कैविटीज फिल्ड बाय सेब्रोस्पाइन फ्यूड विच इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द मेनज जी अब उन्होंने ब्रेन को डिटेल में डिस्कस किया ब्रेन के जो है वो थ्री पार्ट्स हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन सबसे पहले हम देखते हैं फोर ब्रेन फोर ब्रेन जो है फर्दर थ्री फंक्शनल पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ है थैलेमस लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम थैलेमस का क्या फंक्शन है इट कैरी सेंस इफॉर्मेशन टू द लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम थैलेमस जो है एक ब्रिज का, का काम कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन को लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम तक पहुंचा रहा है द इंफॉमेशन इंक्लूड अब वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है दे मे बी सेंस इंक्लूड फ्रॉम ऑडिटरी एंड विजुअल पाथवे आपने कुछ देखा आपने कुछ सुना या फ्रॉम स्किन एंड फ्रॉम विद इन द बॉडी या स्किन के ऊपर कोई चीज़ आके टच कर रही है उसका मैसेज पहुंचाना है या बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज आ रहा है उसका मैसेज पहुंचाना है तो ये हो गया थैलेमस का फंक्शन लिम्बिक सिस्टम का क्या फंक्शन है सबसे पहले मैं बताया हुआ है कि इसकी लोकेशन क्या है इट इज़ लोकेटेड इन एन आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड सेरिब्रम लिम्बिक सिस्टम जो है वो सेरिब्रम और थैलेमस के दरमियान में जो आर्क की शक्ल के अंदर मौजूद होता है अब लिम्बिक सिस्टम के जो हैं वो कहते हैं कि इट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस आवर मोस्ट बेसिक एंड प्रिविटिव इमोशंस लिम्बिक सिस्टम का क्या काम है हमारे इमोशंस पैदा करना इमोशंस में गम गुस्सा ये सब चीज़ें आ जाती हैं डराइव एंड बिहेवियर क्या क्या बिहेवियर इसके अलावा फियर रैग ट्रेंक्यूलिटी हंगर थर्स्ट, प्लेयर सेक्शुअल रिस्पॉन्स तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है पोर्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज इसके अलावा हमारी जो यादाश्त है वो लिम्बिक सिस्टम का एक हिस्सा बना रहा है लम्बिक सिस्टम में तीन पार्ट्स आ जाते हैं हाइपोथैलमेस अमेगड एंड हिपो एज वेल एज नियर बाई रीजन ऑफ द सेब्रम और सेरीब्रम की थोड़ी सी आसपास की रीजन भी इसमें इंक्लूड है हाइपोथैलमस थ्रू इट्स हारमोन प्रोडक्शन एंड न्यूरल कनेक्शन एक्ट एज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर हाइपोथेलमस अपने हारमोन्स वगैरह की वजह से हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है हमारी हंगर को कंट्रोल कर रहा है मैंसोल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है वाटर बैलेंस को एंड स्लीप वे एक साइकिल को जो है वो कंट्रोल कर रहा है अगर हम अमेजडेला को देखें क्लस्टर ऑफ न्यूरोन्स प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ प्लेयर खुशी की सेंसेशन पनिशमेंट और सेक्शुअल अराउजल इट आल्सो इन्वॉल्व इन द फीलिंग ऑफ फियर एंड रैक तो देखा जाए तकरीबन ये इमोशन जो है फोर ब्रेन के अंदर ही हो रहे हैं जो हमने बात की थी कि मेमोरी कंट्रोल कर मेमोरी स्टोर करने का काम भी जो है वो उसका है मैकडला का है और सॉरी लिम्बिक सिस्टम का है तो उसमें से लिम्बिक सिस्टम का हिपो कैंपस वाला जो पार्ट है ये हमारी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बना रहे हैं एंड दस इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग इसके अलावा Uh, वो मेमोरीज भी बनाता है जो हमें सीखने में मदद देती हैं सेरिब्रम जो है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज डिवाइड टू द टू हाफ जो ये हाफ आपको नजर आ रहे हैं ना आ, ये देखें ये एक हाफ ये और एक हाफ ये वाला है तो ये जो है बेसिकली सेरिब्रम है द हाफ्स कम्युनिकेट विद ईच अदर बाई मीन्स ऑफ अ लार्ज बैंड ऑफ एक्जोन कॉल द कार्पस कैलोसम अभी जो हाफ्स हैं इनके दरमिया थोड़ा सा मामूली सा गैप होता है और उसको कनेक्ट किया हुआ होता है कुछ नर्व्स ने न्यूरोस के एग्जोन्स ने उनको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरो आर दिस पार्ट द आउटर रीजन सेरिब्रल कॉटेक्स फॉर्म फोल्डिंग कॉल द कन्वर्जन्स विच ग्रेटली इंक्रीज द सर्फेस एरिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये जो आउटर रीजन है ये देखें इस तरह से इसमें बहुत सारी इस तरह से करके फोल्डिंग हुई हुई है तो फोल्डिंग जो है वो सर्फेस एरिया को इंक्रीज कर रही है दिस पार्ट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस इट इन सेंस इन्फॉमेशन को लेता है प्रोसेस करता है स्टोर करता है डायरेक्ट वॉलेंट्री मूवमेंट कराता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्ड एंड इंडस्ट्रोल प्रोसेस विच इज कॉल्ड द थिंकिंग इन थिंकिंग का प्रोसेस भी इसी में ही हो रहा होता है सेरिब्रल कॉटेक्स कंटेन प्राइमरी सेंसेशन एरिया वेयर सिग्नल ऑरिजिनेटिंग इन सेंसी ऑर्गन सच एज सेरिब्रल कॉटेक्स है इस वो और इसके अलावा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से आती है इसके अंदर इंफॉर्मेशन आइज से ईयर से एंड कन्वर्ट इन टू द सब्जेक्टिव इंप्रेशन स आइज़ ने देखा उसके हिसाब से लाइट में कन्वर्ट करने का काम सेलबल कॉटेक्स का है ईयर्स ने जो सुना उसको साउंड में कन्वर्ट करने का काम सेलिबल काटक्स का है हालांकि आपको पता है ना कि वाइब्रेशन जो है वो हमें मिल रही होती हैं साउंडस की वाइब्रेशन जो है वो कान रिसीव करता है फिर उसको अल्फाज में बदलना उसको साउंड में बदलने का काम आपका ब्रेन कर रहा है नियर बाई एसोसिएशन एरियाज इंटरप्ट इट दिस इन्फॉर्मेशन दिस एरिया इज़ ऑल्सो इन्वाल्व इन द स्पीच एंड ऑल्सो रिसीव एंडेशन ऑफ टच फ्राम ऑल बॉडी पार्ट हमारे बोलने वाला काम भी सैरबल कॉटेक्स कर रहा है इसके अलावा बॉडी के किसी जगह पर टच हुआ है उसको सेंस करने का काम भी यही कर रहा है दिस एरिया इज़ ऑल्सो सेंटर फॉर सेंडिंग इम्पल्स टू वॉलेंट्री मल्स कंट्रोलिंग मूवमेंट दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड जजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लेफ्ट right सेरिब्रम right जो है वो आपकी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल कर रहा है राइट सेरिब्रम जो है बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रहा है ये तो हो गया मिड ब्रेन फोर ब्रेन नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन मिड ब्रेन जो है ह्यूमस में रिड्यूस है एंड कंटेन ऑडिटरी रिले सेंटर एंड सेंटर दैट कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज यानी जो एकदम से आप आंखें झपका लेते हो या एकदम से रोशनी आपने आँखें जगह ये सारा का सारा काम जो है मिड ब्रेन करवा रहा है मिड ब्रेन कंटेन रेटिकुलर फॉर्मेशन विच इज रिले सेंटर कनेक्टिंग हाइंड ब्रेन विद द फोर ब्रेन हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ कनेक्ट करने का काम रेटिकुलर फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग द इनपुट फॉर्मेशन बिफोर द रिच हायर ब्रेन सेंटर फिर हमारे पास आता है हाइंड ब्रेन हाइड ब्रेन के अंदर मेडोला पोन्स एंड से आ जाता है मेडोला कंट्रोल ऑटोमेटिक आटो, फंक्शन जैसे हमारी ब्रीदिंग है हार्ट रेट है ब्लड प्रेशर स्वॉलिंग ये सारा का सारा मेडोला कंट्रोल कर रहा है सटन लोकेटेड अब द मेडोला अपेयर टू इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस यानी हम एक, एक कंडीशन ऐसी होती है ना जिसमें हम गनूदगी जिसे कहते हैं हम जाग भी रहे होते हैं हम सो भी रहे होते हैं ये कंडीशन पोन्स कंट्रोल कर रही हैं इसके अलावा रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग इट इज कंट्रोल बाय द पोन्स सेरिबुलम जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट ऑफ बॉडी द सेरिबुलम गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन एंड मेंटेन बॉडी पोजिशन आपकी बॉडी पोजिशन को मैंटेन करना द सेरिबुलम इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर इट इज़ बेस्ट डेवेल्प इन बर्ड्स विच इज इंगेज इन द कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है ये तो हमारे पास हो गया ब्रेन नेक्स्ट जो है सेंट्रल नर्विस सिस्टम का पार्ट आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड तो मेडुला जो है ये पीछे वाली साइड के ऊपर नैरो होता रहता है और मूव करता रहता है नीचे की तरफ और एक ओवल शेप हॉलो सिलेंडर बना लेता है विच इज़ नॉन ए स्पाइनल कॉर्ड विच इज रनिंग थ्रू द वर्टिप्रल कॉलम इट इज मेड अप ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूरोन्स तो जो ये स्पाइल कॉर्ड है यह बहुत सारे न्यूरोन् से मिलकर बनाए द सेल फाइबर्स इंड बॉडीज ऑफ विच आर अरेंज इन डेफिनेट पैटर्न इन क्रॉस सेक्शन द स्पाइनल कॉर्ड शो एन इनर बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर कंटेनिंग सेंट्रल केनाल एंड द आउटर पोर्शन कम्पोज ऑफ वाइट मैटर तो जब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम दिखाई हुई है तो इनर जो रीजन है ये बटरफ्लाई की तरह की ये इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर और बाहर वाली जो रीजन है उसको हम, हम कहते होते हैं ये व्हाइट मैटर है ग्रे मैटर क्या है एज इन अदर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन मालिनेटेड नर्व फाइबर्स और ट्रैक्स इसमें सेल बॉडीज होती हैं और वो नर्व फाइबर्स होते हैं जिसमें माइलिन शीट नहीं होगी वाइट मैटर जो है माइनेटेड नर्व फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है द स्पाइनल कॉर्ड इज द सेंटर फॉर ग्रेट मनी रिफ्लेक्सेज एंड इट सर्व एज द पाथवे फॉर कंडक्शन यू पर्स टू एंड फ्राम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन तो इसका जो मेन फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिस को कंट्रोल करना है जो हम एकदम से मूवमेंट करते हैं अचानक मूवमेंट करते हैं अचानक रिस्पॉन्स देते हैं फिर उसके अलावा वो रिस्पांस भी करवाता है और उसको फिर ब्रेन की तरफ भी भेज देता है ताकि उसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया जाए तो ये था आपके पास सी एन एस इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछें नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पेरिफ़ेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़